नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, भंडारा जिले के तुमसर तहसील चर्चे में है। दोस्तों, तुमसर तहसील में बड़े पैमाने पर राजस्व को लूटा जा रहा है। कई ऐसे जगह हैं जहां पे रेती डंप किया हुआ रखा हुआ है। खास करके गोबरवाही थाना क्षेत्र अंतर्गत की बात करें तो आष्टी जैसे कई ऐसे जगह है जहाँ पर जंगलों के बीच बड़े पैमाने पर रेती डंप है। और ख़ास बात तो ये है, इस डंप रेटी को बोगस ईटीपी या डुप्लीकेट ईटीपी या फिर बिना ईटीपी डब्ल्यूआर जैसे कह सकते हैं, उसके तहत इसे भंडारा जिले से नागपुर जिले में निर्यात किया जाता है। यानी कि एक ये तस्करी कोई छोटी मोटी तस्करी नहीं है, इसे एक जिले से दूसरे जिले में तस्करी किया जा रहा है। और ख़ास बात तो ये है कि नागपुर और भंडारा दोनों एकदम अगल बगल हैं और नागपुर देवेंद्र फडणवीस का गृह जिला, लेकिन इसके बावजूद रेत तस्करों के हौसले बुलंद हैं। जब से मैं 5 फरवरी 2024 से मैंने तहसीलदार एज अ तहसीलदार तुमसर करके मैंने चार्ज संभाला है और लगातार आए जब से मैं चार्ज लिया हूँ हमारी कार्रवाई चालू है। जब जब भी हमारे संज्ञान में ऐसी कुछ बात आती है या कुछ हमारे को इंफॉर्मेशन मिलती है तो हमने आते बराबर चार्ज लेते बराबर सातों दिन हमारे भरारी पथक एक्टिव रहते हैं, जो लगभग हर दिन रात को ही जाते हैं, यानी रात को 8-10 के आसपास निकलते हैं और 12-1 बजे तक वो कार्रवाई चालू रहती है। उस दरमियान जो भी हमारे को मिलता है हम उसके ऊपर कार्रवाई लेती है। ऐसे जब भी ये रहेंगे इन्फॉर्मेशन रहेंगे हम वो भी कोशिश करेंगे कि सुबह हम अर्ली इन द मॉर्निंग निकल के उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि तहसीलदार का कहना है कि वो रात को 12-1 बजे तक पेट्रोलिंग करते हैं अपने अधिकारियों के साथ में, लेकिन 12-1 बजे के बाद से लेकर सुबह के 6-7 बजे तक ही ये रेत तस्करों का असली खेल शुरू होता है। यानी कि उसके बाद कोई तहसीलदार वहाँ पे नहीं होते हैं, पेट्रोलिंग पे नहीं होते, उस बीच में किया जाता है। इसमें सबसे खास बात तो ये है कि गोबरवाही जो पुलिस स्टेशन का हद है उसके बाद एक नदी है और उस नदी के आगे बालाघाट यानी कि मध्य प्रदेश जिला लग जाता है। दोस्तों, आपको बता दूँ, उस क्षेत्र से जहाँ से रेती डंप है उस क्षेत्र से जब ट्रकें निकलती हैं तो वन विभाग का रेंज, जहाँ पर रेंज ऑफिस है वहाँ पर रेंज ऑफिस के पास में इनका नाका भी है, लेकिन उस नाके को पास करते हुए ट्रकें निकलती है। आपको बताऊं कि इसमें वन विभाग, पुलिस स्टेशन, तहसीलदार, एसडीओ और ऊपर में तो जिलाधिकारी और एसपी वगैरह तो हैं ही, लेकिन इस सब के सारी यंत्रणा होने के बावजूद रेत तस्कर भंडारा से नागपुर तक रेत तस्करी कर लेते हैं। यह तो सिर्फ भंडारा की बात है, नागपुर की भी बात बाकी ही है। यह एक गांव से नहीं बल्कि एक जिले से दूसरे जिले में रेत तस्करी की जा रही है। इसमें कई बड़े नामचीन लोगों के नाम भी इसमें शामिल हैं जो नाम हम तक आए हैं। खैर, यह मामला यहीं शांत नहीं होता है। आने वाले अगले एपिसोड में हम अहम जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आज की खास बात सिर्फ वीर सिंह के साथ। NBC News में।